वो कुछ नहीं होगा। एक हादसे का मतलब ये नहीं कि पूरी इंसानियत धोखेबाज है, बेवफा है। अपना मुंह बंद रखना वरना जान से जाओगी अपनी बहन की। उस दिन मैंने आपको बोला था कि भाभी को तफ्तीश में शामिल कर लूं, फहमी हो गई थी मुझसे, मैं भूल गई थी। आप लोगों को जो खुसर ड्रामे में अब शाजमा तो सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहती है और चाहती है कि उसे कोई पूछने वाला ना हो, अपनी मर्जी करे और याशी करे और खूब पैसा उड़ाए, जो कि दिशान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब दिशान के सामने आहिस्ता आहिस्ता शाजमा की असलियत आना शुरू हो जाएगी, जब शाजमा ज़रा भी उसकी इज्जत नहीं करेगी और किसी और से अफेयर भी चला लेगी। जबकि अमरीन तो पहले ही चाहती है कि शाजमा की हकीकत को खोल कर सबके सामने लाए और इस सब में उसकी मदद करेगी हरीम। अब हरीम और अमरीन शाजमा के खिलाफ सबूत ढूंढ रही हैं और बहुत जल्द उन्हें कामयाब भी हो जाएंगे। जबकि उधर जिशान खुद अपने कानों से शाजमा की सारी असलियत सुन लेगा और किसे किसी और के साथ देख भी लेगा, जिसके बाद वो उस पर एतबार भी नहीं करेगा और ना ही उसे अपने घर में रखने के लिए राजी होगा। और शाजमा भी यही चाहती है कि जिशान से डिवोर्स दे दे, लेकिन उसे क्या पता कि जिसकी खातर वो जिशान से डिवोर्स लेगी वो भी उसे बीच रास्ते में ही छोड़ जाएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, किसकी एक्टिंग अच्छी लग रही है और कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे।